द्वंद में और छिपे दिगु में गड़ना पहला पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्य से अव्ययी भाव रहे कर्म धारे अभेद बतावत है। अंतः काल बहुब्रीही आई कोई तीसरा अर्थ दिखावत है। दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं राजीव सर, आज आपके सामने हम समास का ये वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों आइए समास के बारे में दोस्तों आज हम कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं दोस्तों, और कुछ नई नई चीजें इसमें सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक गीत है दोस्तों समास के बारे में, कहता है द्वंद में और छिपे दिगु में गड़ना पहला पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्य से अव्ययी भाव रहे कर्म धारे अभेद बतावत है। अंतः काल बहुब्रीही आई कोई तीसरा अर्थ दिखावत है। तो आइए दोस्तों, इस तरह से आप समास को याद रख सकते हैं दोस्तों। और समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों, आपको पता है, और हम समास के बारे में दोस्तों आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो देखा जाए तो सबसे पहले है द्वंद में और छिपे। आपको पता है कि द्वंद शब्द में और शब्द का लोप होता है, लेकिन दोस्तों केवल और का ही लोप होता है या कुछ और भी लोप होता है दोस्तों? जैसे संस्कृत में चौवर्ण लग जाता है, उसी तरह दोस्तों यदि हम देखें तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय बीच में छुपे होते हैं। और विशेष रूप से देखें दोस्तों तो समुच्चय बोधक दो तरह के बोधक द्वंद्व समास में दोस्तों छुपे होते हैं। एक संयोजक होता है जो शब्दों को जोड़ता है, और दूसरा विभाजक होता है जो शब्दों को तोड़ता है, अलग अलग करता है दोस्तों। तो जैसे संयोजक में है दोस्तों और है, एवं है, तथा है। विभाजक में दोस्तों या है, अथवा है। तो ये द्वंद समास दोनों पदों के बीच में छुपे होते हैं। आपको पता है द्वंद समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोस्तों यदि हम देखें तो दोस्तों माता पिता, अब यहां देखेंगे दोस्तों हम तो माता पिता में और का लोप है, होता है दोस्तों माता और पिता। उसी तरह गंगा यमुना, यहां भी देखेंगे दोस्तों संयोजक अव्यय समुच्चय बोधक लगा है, और वो क्या है? गंगा और यमुना। लेकिन दोस्तों विभाजक के साथ भी आता है, और वो क्या होता है? लाभ हानि। अब यहां देखेंगे दोस्तों तो विभाजक लगता है, क्या लगता है दोस्तों? लाभ या हानि। अब दोस्तों यहां देखें कि संयोजक अव्यय था समुच्चय बोधक अव्यय, और यहां विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में समुच्चय बोधक अव्यय, संयोजक और विभाजक दोनों लगे होते हैं। कहीं कहीं संयोजक और कहीं कहीं विभाजक अव्यय लगा होता है दोस्तों। अब हम दूसरे समास का अगर वर्णन करें दोस्तों, तो दूसरा है द्विगु में गणना पहला पद आवत है, अर्थात द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और प्रधान होता है। और दोस्तों आसानी से आप सीख सकते हैं,
द्विगु समास में बहुत कुछ याद करने की जरूरत है, बस इतना आप ध्यान रखिए दोस्तों कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण अर्थात गणना प्रधान होता है। और जैसे देखेंगे तो हो जाएगा चौराहा, सप्ताह, चौमास। तो इन शब्दों में आप दोस्तों देख रहे हैं कि पहला पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, जहां यहां चौ लगा है, यहां सप्त लगा है, यहां चौ लगा है। तो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है, साथ ही में हम ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि द्विगु समास जो होता है वह बहुव्रीहि समास से निकला है, तो बहुव्रीहि समास के कुछ पद भी संख्यावाचक होते हैं, जैसे त्रिनेत्र दिल तो वह भी संख्यावाचक है। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि त्रिनेत्र जो है एक योग रूढ़ शब्द है और जिसका अर्थ भगवान शिव से लिया गया है, एक व्यक्ति के लिए आया तो योग रूढ़ हो गया दोस्तों, और जब दो योग रूढ़ हो गया तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात को भी हम रखेंगे, चतुर्भुज है, षडानन है, तो संख्यावाचक है दोस्तों, लेकिन ये बहुव्रीहि समास में आते हैं क्योंकि ये योग रूढ़ शब्द है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे देखेंगे कि तीसरा जो होता है दोस्तों कह रहा है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहा होता है, अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान न होकर के उत्तर पद प्रधान हो जाए और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का क्या हो, लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान हो और बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, और वो भी कारक चिन्ह, दोस्तों मैं कारक चिन्ह आपको अगले वीडियो में दूंगा और विस्तृत रूप से समझाऊंगा दोस्तों, कैसे ऐसे चिन्ह होते हैं जो आपको बताए नहीं जाते हैं, उन पे भी चर्चाएं होंगी। तो हिंदी में कारक चिन्ह दोस्तों 8 होते हैं और 8 कारक चिन्हों में अगर हम प्रथम और अंतिम 8वें कारक चिन्ह को छोड़ दें, कर्ता और संबोधन को, तो बीच के जितने 6 कारक चिन्ह हैं दोस्तों, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 जो कारक हैं दोस्तों उनके चिन्ह जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में लगते हैं, और इन्हीं 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद भी बताए गए हैं दोस्तों। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि अगर हम उदाहरण देखें दोस्तों तो क्या है, यश प्राप्त, अब इसका दोस्तों अगर हम वो करें तो क्या कहेगा, यश को प्राप्त, को लग गया दोस्तों, कर्म तत्पुरुष है, कर्म कारक का प्रयोग हो गया। और दोस्तों उसी तरह देखें शरणागत, तो शरणागत में क्या है दोस्तों, शरण में आगत में लग गया दोस्तों। उसके बाद सत्तारूढ़ शब्द, सत्ता पे आरूढ़ अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों जहां जिस समास का पूर्व पद प्रधान न होकर के उत्तर पद प्रधान हो जाए दोस्तों और बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाए दोस्तों, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो कहता है कि अव्यय से अव्ययी भाव रहे, अर्थात दोस्तों जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो और अव्यय पद के साथ जुड़ करके, अर्थात पूर्व पद उत्तर पद के साथ जुड़ करके पूरे पद को अव्यय बना दे, तो ऐसे जगहों पर अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। अब अव्ययी भाव समास में दोस्तों
आपका उपसर्गों का भी प्रयोग करता है, क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय में चले जाते हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, यथाशक्ति, नीडर, सुस्वागतम, भर पे। तो यहां दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये अव्यय लगे हुए हैं। ये अव्यय जो है दोस्तों लगे हुए हैं, अर्थात पूर्व पद अव्यय प्रधान है दोस्तों, और जब यह उत्तर पद के साथ जुड़ेगा तो पूरे पद को अव्यय बना देगा। तो ऐसे जगहों पे अव्यय भाव समास होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं दोस्तों यह भी देखने को मिलता है कि एक ही शब्द की आवृत्ति भी के कारण भी दोस्तों अव्यय भाव समास होता है। जैसे आप देखेंगे शब्दों को तो दोस्तों है रातो रात, यह भी अव्यय भाव समास है दोस्तों। बीचो बीच, बीचो बीच, यहां भी अव्यय भाव समास है। गली गली, यहां भी अव्यय भाव समास है। तो कहीं कहीं पर दोस्तों एक ही शब्द को आवृत्ति होने के कारण भी अव्यय भाव समास हो जाता है। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है, आगे चलेंगे दोस्तों। तो आगे दोस्तों आएंगे तो कहता है कर्मधारे भेद बतावत है। भेद मतलब क्या? विशेषता। तो कर्मधारे समास में दोस्तों क्या होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण अर्थात विशेषता बतलाने वाला और दूसरा पद विशेष्य हो दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वहां कर्मधारे समास होता है। अब क्या इतना ही होता है दोस्तों? नहीं दोस्तों, एक चीज और है। यदि दोस्तों पूर्व पद उपमा हो और उत्तर पद उपमेय हो, जिस शब्द का पूर्व पद उपमा और उत्तर पद उपमेय हो जाए दोस्तों, वहां भी दोस्तों कर्मधारय समास होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कर्मधारय समास भी बहुव्रीही समास से निकला है। तो इसके भी कुछ ऐसे पद होते हैं बहुव्रीही के जो कर्मधारय की तरह भी लगते हैं, तो वहां भी दोस्तों भ्रम मत आइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कहीं शब्द योग रूढ़ तो नहीं है, किसी एक व्यक्ति एक स्थान एक वस्तु के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दोस्तों वह कर्मधारय नहीं होगा, वह बहुव्रीही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब कर्मधारय की बात करें, मैंने बताया कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, या जिस समास का पहला पद उपमा और दूसरा पद उपमेय हो, वहां कर्मधारय समास। तो अब हम जैसे देख ले दोस्तों, तो नीलांबर है दोस्तों। अब नीलांबर में पहला पद क्या है? नील और नीला और अंबर, नीला आकाश, विशेषता बता रहा है आकाश की। उसी तरह महापुरुष, जो पुरुषों में महान हो। लेकिन दोस्तों उसी तरह देखिए क्या कमल नयन। अब दोस्तों यहां भी ध्यान रखिए, कमल जो है दोस्तों वह उपमा है और नयन जो है दोस्तों उपमेय है। कमल उपमान और नयन उपमेय है, तो यहां भी दोस्तों कर्मधारय समास होगा। उसी तरह चंद्रमुख है दोस्तों, तो चंद्रमुख में भी दोस्तों चंद्र चंद्रमा उपमान है, अमुख उपमेय है दोस्तों। तो आज बात समझ में आई दोस्तों, केवल विशेषण और विशेष्य ही नहीं, उपमा और उपमेय भी मिलकर के कर्मधारय समास का निर्माण कर देते हैं।
अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे बढ़ते समय दोस्तों ध्यान रखेंगे, कहता है अंतकाल बहुव्रीहि आय कोई तीसरा अर्थ दिखावत है। अर्थात बहुव्रीहि समास अंत में आता है और बहुव्रीहि समास के दोनों पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है दोस्तों। तो दोनों पद प्रधान जहां न हो तीसरा पद प्रधान हो जाए, हाँ ये तो वही हाल है दोस्तों कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, बंदर आया रोटी खा गया, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है आप देखे ही हैं, वही हाल यहां है, दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास, लेकिन दोस्तों बहुव्रीहि समास को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, हमको ये बात याद रखना है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द, क्या शब्द, योग रूढ़ शब्द, जहां भी योग रूढ़ शब्द आएंगे दोस्तों वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों। योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो और किसी एक अर्थ, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान को दोस्तों प्रदर्शित करे या प्रयोग किया जाए एक के लिए, वहां योग रूढ़ शब्द होता है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन आंखें हैं जिसकी, भगवान शिव, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गजानन, हाथी का मुख है जिसका या हाथी के समान मुख है जिसका, नीलकंठ, दशानन, चतुरानन, सडानन, अब सडानन की बात आती है दोस्तों, सडानन, अब दोस्तों सडानन, सड मतलब छह, तो छह मुख है जिसके, किसके हैं दोस्तों, कार्तिकेय भगवान का, कार्तिकेय जी को भूलिए मत, भोले शंकर के बबुआ हैं, तो उनको भी याद रखना है दोस्तों। दोस्तों साथ में आप ये भी याद रखिए, कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि परीक्षाओं में दोस्तों संख्याएं उठा के दे देती है और संख्या देखते ही हम उसे द्विगु समास लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो दो संख्याओं से मिलकर बनी है दोस्तों और वो रूढ़ संख्याएं, तो रूढ़ संख्या है और दो संख्याओं से मिलकर बना तो योग रूढ़ हो गया। जैसे आप दोस्तों देखेंगे 31, 41, 61 ऐसी संख्याएं हैं जो बहुव्रीहि समास में आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ आपको विस्तृत ज्ञान भी मिला होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए, ज्ञान में आपके वृद्धि हो, तो मैं आशा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार फिर गुनगुना लेते हैं, कहता है द्वंद में और छिपे दिगु में गणना पहला पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अव्य से अव्ययी भाव रहे कर्म धारे अभेद बतावत है, अंतःकाल बहुव्रीहि आय कोई तीसरा अर्थ दिखावत है। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।